दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फाइनेंशियल फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं और वो फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल आप किसी भी पर्पज से लिए गए लोन की जो पेमेंट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आपको दोस्तों मैं एक्सेल में इसी तरह का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि अगर हमने किसी पर्पज से कोई लोन लिया है और उस लोन की अगर आप पेमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पीएमटी फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल में लेक्चर दूंगा। लिए दोस्तों, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ गए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो चुका है हमारा और हमने आपके लिए टेबल भी बनाई है। इस टेबल को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के साथ साथ अपने हम लोग अपने टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मैं आपका दोस्त अनुज आज आपके लिए जो एग्जाम्पल बनाया है उस एग्जाम्पल को एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं हमने होम लोन की एक टेबल बनाई है जिसमें आप लोग प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं और यहाँ डाउन पेमेंट है, कुछ रेट है और नेट पीरियड है। हाँ, जैसे प्रेजेंट वैल्यू में आप देख रहे हैं हमने जो लोन लिया है वो है आपका 25 लाख का और डाउन पेमेंट हमने जो बैंक को डिपॉजिट की है वो है 5 लाख की और रेट है हमारा जो ईयरली है वो है 12.5% का और नेट पीरियड है हमारा 10 साल यानी 10 इयर्स के लिए हमने ये लोन बैंक से लिया है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी ईएमआई क्या होगी मंथ के लास्ट में। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप इस एग्जांपल में क्या करेंगे, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है आप उसे सेल पर क्लिक करें दोस्तों और जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले आपको इक्वल टू सिंबल लगाना है। इक्वल टू सिंबल लगाने के बाद आपको टाइप करना है पीएमटी फंक्शन और ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको देखिएगा फंक्शन का पूरा सिंटेक्स आपको शो हो रहा है। सबसे पहला जो पार्ट होता है फंक्शन का वो होता है रेट। तो आपको जहाँ पे हमने रेट टाइप किया है जैसे आप देख रहे हैं 12.5% है जो कि ईयरली कैलकुलेट होता है, आप इसको टाइप करेंगे यानी कि आप क्लिक करके उसका रेफरेंस उठाएंगे उस सेल का। लेकिन फॉर्मूले में जो आपको मेंटेन करना होता है ये मंथली करना होता है, तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये मंथली कैलकुलेशन होगा रेट वाइज। इसके बाद आप कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद आपको देना है एनपीआर। एनपीआर मीन्स आपको नेट पीरियड आपको स्पेसिफाई करना है जो हमने यहाँ पे टेबल में डाला है 10 ईयर्स के लिए, ये हमने आपको क्लिक करके इसका रेफरेंस उठाना है। रेफरेंस उठाने के बाद ये भी हमारा बेसिकली जो हमें पेमेंट करना होता है वो मंथली करना होता है, तो कैलकुलेशन ओवरऑल जो ईयर के हिसाब से होनी है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। इसके बाद फिर आप लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद आप देखेंगे ये है हमारा जो पीवी हमारा जो क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू है 25 लाख और डाउन पेमेंट हम दे चुके हैं 5 लाख, तो 5 लाख को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके तब हम स्पेसिफाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे जहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू स्पेसिफाई की उस सेल पर क्लिक करेंगे और माइनस सिंबल लगाएंगे। माइनस सिंबल लगाने के बाद आप डाउन पेमेंट जहाँ पे स्पेसिफाई किया उस सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप ब्रैकेट ऑफ करें और एंटर की प्रेस करें। जैसे आप प्रेस करेंगे दोस्तों ये हमारी वैल्यू आ गई है और यहाँ एक सिंबल के साथ आई है। अगर हमें प्रॉपर वैल्यू चाहिए आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और कोमा सिंबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कोमा स्टाइल सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट आपके सामने आ जाएगी जो आप देख रहे हैं। ये आप अगर कैलकुलेट करके देखें हैं देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल प्लेस हैं। अगर आप डेसिमल प्लेस भी हटाना चाहते हैं तो आप डेसिमल प्लेस भी यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने डिक्रीज कर दिया तो आप यहाँ पे जो अमाउंट देख रहे हैं ये अमाउंट हमारी ईएमआई के लिए रेडी है यानी कि ये ईएमआई हमारी बनेगी मंथ के लास्ट में। कभी कभी हमें शायद कैलकुलेट करना होता है दोस्तों कि ईएमआई अगर हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, इसी एग्जांपल में मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके दे देता हूँ। तो मैं इसी एग्जांपल को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल सी और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल डी करके और इसको एडजस्ट कर लेते हैं टेबल को थोड़ा।
और यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगा इस फॉर्मूला में डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा फिर से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। मंथ के अगर स्टार्ट में हमारी ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा कुछ अपडेशन है, सिंटेक्स में थोड़ा सा जो हमें चेंजेस है कुछ इस तरह से, आप इक्वल टू लगाएंगे उसी तरह से और ईएमटी टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोलिए रेट, उसी आपको स्पेसिफाई करना है, रेट के लिए आप रिफरेंस दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 12 से और कॉमा लगाना है। फिर आपको नेट पीरियड आपको स्पेसिफाई करना है, नेट पीरियड में आप हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करें और कॉमा लगाने के बाद जो आपने प्रेजेंट वैल्यू दी है प्रेजेंट वैल्यू क्लिक करके, अगर आपने डाउन पेमेंट दिया है तो आप डाउन पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डाउन पेमेंट नहीं दिया है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो फिर आप कॉमा लगाने के बाद इसके बाद आती है फ्यूचर वैल्यू। आप यहाँ सिंटेक्स में दे देते हैं एफ वी एन की फ्यूचर वैल्यू, लेकिन फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे ऑप्शनल होती है, आपको उसे स्पेसिफाई अगर ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे जीरो डाल दें फ्यूचर वैल्यू के लिए। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको स्पेसिफाई करना टाइप। आप देख रहे हैं सिंटेक्स में यहाँ पे एक जीरो ऑप्शन दिया हुआ है जो जहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द पीरियड और एक लिखा है वन यानी कि बिगनिंग ऑफ द पीरियड। अगर आप मंथ के स्टार्ट में ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप जीरो यहाँ लिखते हैं, और अगर आप मंथ के लास्ट में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जीरो लिखते हैं, और मंथ के अगर स्टार्ट में अगर आप जो ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ वन लिखना चाहिए। तो आप यहाँ से वन टाइप करें और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ईएमआई कैलकुलेट हो गई है और ये ईएमआई मंथ के स्टार्ट के लिए कैलकुलेट हो गई है। तो इस तरह से आप पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करके जो पेमेंट अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये लोन अमाउंट के लिए। और जो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और आगे की आने वाली जो हमारी क्लासेस है वहाँ पर भी हम लोग पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके जो और भी फैमिली जो फंक्शन है वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में पीएमटी फंक्शन का इतना ही इस्तेमाल था, आप इसको स्टडी करें और आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वहाँ पर भी पीएमटी फंक्शन का रोल होगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करें दोस्तों। थैंक यू एंड धन्यवाद।